लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है। शिवराज सरकार में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री रहे ओम प्रकाश सकलेचा ने नए मंत्रिमंडल के आकार को लेकर कहना है कि बीजेपी में सभी कुछ अंतिम समय में ही तय होता है। ओम प्रकाश सकलेचा की जीत और मंत्रिमंडल के गठन के साथ उनकी जिम्मेदारी को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो नई सरकार बनने जा रही है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या सोचते हैं इस तमाम तरह की चीजों को लेकर? नए मुख्यमंत्री को नया दायित्व मिलेगा? बिल्कुल, नया दायित्व, नए जोश, नए उत्साह के साथ जनता की और बेहतर कैसे सेवा की जाए उसकी व्यवस्था की जाएगी। नया मंत्रिमंडल गठित होगा, कल शपथ ग्रहण समारोह है, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, आप सभी लोग भी होंगे, राज्य स्तर के तमाम नेता होंगे, किस तरह से मंत्रिमंडल का आकार और खाका देखते हैं? ये अभी अंदाज लगाना संभव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे आखिरी मिनट पे ही सब कुछ पता चलता है। आप अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं? पार्टी का जो भी आदेश होगा उस कार्य को करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये तो थे ओम प्रकाश सकलेचा जी, जिन्होंने कहा कि पार्टी जैसा चाहेगी वैसा आदेश उनको स्वीकार्य होगा, और जो नया मंत्रिमंडल आकार लेगा कल शपथ ग्रहण समारोह में, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो कुछ नई चीजें ही देखने को मिलेगी मध्यप्रदेश सरकार में, मध्यप्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें, और निश्चित ही कुछ नया ही होगा, प्रधानमंत्री स्वयं भी मौजूद होंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV24 भोपाल। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व गृह मंत्री से मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा ने पुष्पगुच्छ देकर मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी को नरोत्तम मिश्रा के अनुभव की जरूरत है, उन्हें मंत्रिमंडल और पार्टी संगठन का भी बहुत अनुभव है। मोहन यादव ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा से बहुत सारी चर्चा उनसे करनी थी, वही करने आया था, कॉलेज जीवन से ही नरोत्तम मिश्रा से अच्छे रिश्ते हैं, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलेगी, जो काम चल रहे थे उसको आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और इनका बहुत लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है, और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरह के काम के अनुभव वाले, जिनको मंत्रिमंडल का भी और पार्टी का भी, और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी बहुत आवश्यकता है, कई सारे मामलों में चर्चा करने के लिए मैं उनसे आया था। मैं उनका एक तरह से कॉलेज जीवन से ही बहुत अच्छे से गहरी मित्रता वाला भाव मेरे प्रति रहा है, मैं सहज भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, डबल इंजन की